हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। गाइज, अगर आपका पीसी भी बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है और आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। गाइज, जब भी हम अपने लैपटॉप को या पीसी को अपने हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट करते हैं मोबाइल से, तो वो गाइज चुटकियों में हमारा डेटा को एकदम कंज्यूम कर लेता है। जो हमारी 1.5 GB, 2 GB, 3 GB होती है गाइज, वो 10-15 मिनट में या आधे घंटे में एकदम ख़त्म हो जाती है। और गाइज, हमको पता नहीं चलता ये डेटा जो है कहाँ पर कंज्यूम हुआ है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर हमारा कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। और गाइज, आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होगी अपने पीसी पर इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो चलिए गाइज, जान लेते हैं कौन से सेटिंग्स है जो हमको ये करनी होगी। और गाइज, अगर आपके पास विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, ये दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। स्पेशली गाइज, ये विंडोज 11 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पीसी पर विंडोज 11 है तो आप इन सेटिंग्स को बहुत इजीली कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हाई डेटा कंजप्शन को रोकने के लिए आपने अपने विंडोज 11 पे कुछ सेटिंग्स करनी होगी। तो शुरू करते हैं गाइज। नंबर वन सेटिंग जो है वाईफाई मीटर कनेक्शंस। तो गाइज, जैसे आप अपने पीसी पर वाईफाई से कनेक्ट करते हो हॉटस्पॉट के थ्रू अपने मोबाइल के, तो यहाँ पर क्या होता है गाइज, जितना डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा डेटा वो यूज़ होता है। तो ऐसे में इसको वाईफाई मीटर कनेक्शन से करेगा क्या, जितना डेटा रिक्वायर्ड होगा उस ब्राउजिंग करने के लिए वो उतना ही डेटा हमसे यूज़ कराएगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे, और यहाँ पर मीटर्ड कनेक्शंस ये देखेगा आप, जो भी आपने वाईफाई से कनेक्ट किया है उसमें आएगा मीटर्ड कनेक्शंस, ये टर्न ऑफ है, इसको आप टर्न ऑन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो सम एप्स माइट वर्क डिफरेंटली टू रिड्यूस डेटा यूसेज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू दिस मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिड्यूस कर देगा हमारा डेटा यूसेज को। नंबर सेकेंड जो सेटिंग है गाइज, वो है टर्न ऑफ बैकग्राउंड एप्स। ऐसा होता है हमारे जो बैकग्राउंड एप्स है वे भी हमारे बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, और रन होते हैं तो गाइज वो डेटा भी कंज्यूम करते होंगे, तो आप उन बैकग्राउंड एप्स को भी टर्न ऑफ कर सकते हो। विंडोज़ 10 होती है तो गाइज आप सेटिंग में जाके बैकग्राउंड प्राइवेसी में आएंगे और बैकग्राउंड एप्स का आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएगा। बट विंडोज़ 11 में ये लंबा प्रोसेस कर दिया है इन्होंने थोड़ा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे एप्स एंड फीचर्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर गाइज ये सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस है जिनको हम यूज़ नहीं करते, आप इनको यहाँ पर टर्न ऑफ कर दीजिए। जैसे तो टर्न ऑफ करने के लिए गाइज आपने इसको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पर ये बैकग्राउंड एप परमिशंस में आएंगे और इनको आप नेवर पे सेलेक्ट कर दीजिए, जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। अब आपके बैकग्राउंड में ये रन नहीं होगा अगर आप यहाँ पर नेवर सेलेक्ट कर लेते हो। ऐसे ही आप जिनको यूज नहीं करते उनको आप नेवर सेलेक्ट कर दीजिए और ये एप्लीकेशंस जो है वो बैकग्राउंड में आपके डेटा कंज्यूम नहीं करेंगे, रन नहीं हो गए। नंबर थर्ड जो सेटिंग है गाइज, डिजेबल विंडोज ऑटोमेटिक अपडेट। क्या ऐसा होता है गाइज, हमारी जो विंडोज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगती है, तो उस विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली स्टॉप करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपने सर्च बार ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करेंगे सर्विसेज ऐप को आप ओपन करेंगे। यहाँ पर गाइज किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और W प्रेस करेंगे तो आप W वाली सीरीज में आ जाएंगे। यहाँ पर गाइज आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और एक ऑप्शन दिखेगा विंडोज़ अपडेट का, विंडोज़ अपडेट पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपने स्टार्टअप टाइप में देखना है, ये ऑटोमेटिक पे होगा तो आपने इसको डिसेबल कर देना है और ये सर्विस स्टेटस में रनिंग दिखाएगा, रनिंग के जस्ट नीचे स्टॉप का एक ऑप्शन दिखेगा, आपने स्टॉप कर देना है। अब आपकी जो विंडोज़ है वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी विंडोज़ अपडेट। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेगा, ओके क्लिक करेगा, एक्शन पाएगा और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, अब जो ये विंडोज़ अपडेट है यहाँ पर देख सकते हो डिसेबल हो चुका है। अब हमारी विंडोज़ ऑटोमेटिकली जो अपडेट होने लगती थी, जैसे हम अपना वाईफाई से कनेक्ट करते थे अपने पीसी को तो सारा डाटा चुटकियों में उड़ जाता था। अब क्या होगा गाइज, क्योंकि गाइज सबसे बड़ा अपडेट जो है वो विंडोज़ अपडेट ही है, इसको भी गाइज आप सेटिंग से जाके भी एक बार यहाँ से विंडोज़ अपडेट में आएगा, इसको बंद कर देगा, यहाँ से पॉज अपडेट पर क्लिक करेगा
पॉज फॉर वन वीक और यहाँ से एडवांस ऑप्शन में आएगा, यहाँ से इनको टर्न ऑफ कर देगा सबको, तो जो विंडोज अपडेट है आपकी वो टर्न ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट जो सेटिंग है गाइज वो है टर्न ऑफ ऑटो अपडेट एप्स फ्रॉम ऐप स्टोर। गाइज जो एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगते हैं हमारे जो ऐप स्टोर से, ठीक है। ऐप स्टोर से भी आप इसको जो ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं एप्लीकेशन उनको टर्न ऑफ कर देगा। सिंपली ऐप स्टोर ओपन करेगा, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ऐप सेटिंग पर आएगा, यहाँ पर ऐप अपडेट्स को ये इनेबल इसको डिसेबल कर देगा और वीडियो ऑटो प्ले को भी आप यहाँ से टर्न ऑफ कर देगा। अब जो भी ऐप्स है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो गए। नेक्स्ट जो सेटिंग है गाइस वो है क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड। अगर आपके पीसी पर क्रोम ब्राउजर है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, तो आप इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे और कोई दूसरा ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स या ओपेरा मिनी लाइट ब्राउज़र या जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको आप यूज़ करेंगे। तो गाइस आप क्रोम ब्राउज़र को डिलीट कर देंगे और आप इन दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस एक जो हम डेटा यूसेज में जाके देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, डेटा यूसेज ओवरव्यू में आएगा। यहाँ पर गाइस यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कौन हमारा डेटा यूज़ कर रहा है, यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन हमारा जो डेटा है वो यूज़ कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र ने 804 MB यूज़ करी है और MS Edge जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब गाइस यहाँ पर वो ये भी दिखा रहा है कि आपने कोई डाउनलोडिंग करी है, यहाँ पर वो भी डेटा आप यहाँ पर ये दिखा देगा, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट से काफ़ी सारी डाउनलोडिंग करी थी लगभग इतने GB की, तो वो यहाँ पर दिखाएगा। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा डेटा अगर आपने कोई यूज़ नहीं किया फिर भी वो दिखा रहा है तो आप उस ब्राउज़र को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो किसने कितना डेटा आपका यूज़ किया है, उसके हिसाब से गाइस आप उस सर्विस को स्टॉप कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो या अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ गाइज आप डेटा यूसेज में आएंगे, यूसेज स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे कौन सा एप्लीकेशन से वो आपका डेटा कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उस पर आप एक्शन ले सकते हो, डिलीट कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज 11 में जो डेटा कंजप्शन है उसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। ये सेटिंग्स कर लेते हो प्रॉपरली आप अपने विंडोज 11 पे, तो जो गाइस आपका विंडोज 11 में हाई डेटा कंजप्शन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखा गाइस कितना इजी है, इस तरीके से आप इन छोटी सेटिंग्स को करने के बाद आप अपने पीसी को हाई डेटा कंजप्शन से बचा सकते हो और जो आपकी प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी ये सेटिंग्स करने के बाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरा से भी, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो। अगर आपको कोई डाउट है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।